हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह राजपूत है। एक बार मैं फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। उससे पहले आज हम बात करेंगे क्लोबेटामिल जी के बारे में। एक्चुअली मुझे सभी लोगों ने कमेंट किया कि सर क्या ये क्लोबेटामिल जी गोरा करने वाली क्रीम है, तो आज मैं इसके लिए वीडियो बना के लाया हूँ। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मुझसे जुड़े रहने के लिए, तो इसे प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आज हम बात करते हैं क्लोबेटामिल जी के बारे में। तो इसकी सबसे पहले अपन इसका प्राइस देख लेते हैं। देखिए, इस पे आज ही मैंने न्यू पैक लिया है। इसमें लिखा है 25.55, मतलब 25 रुपये का आता है इस, और ये 25 ग्राम का पैक आता है, देख सकते हैं आप। इसमें मुख्य रूप से क्लोबेटासोल, प्रोपियनिक और जेंटामिसिन स्किन क्रीम रहती है। इसमें क्लोबेटामिल जी है और इसमें आप देख सकते हैं क्लोबेटासोल है, जेंटामिसिन है, क्लोरोस्क्वेल है। इसका परसेंट आप देख लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, मैं पैकिंग खोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है। कई लोग तो फेयरनेस और बोलते हैं पिंपल के लिए या गोरा करने वाले के, ये कोई गोरा करने वाली भाई क्रीम नहीं है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं फेस के लिए। कुछ कुछ तो कई क्रीमों कोई कॉस्मेटिक के साथ भी यूज़ कर रहे हैं भाई। ये कोई कॉस्मेटिक गोरा करने वाली क्रीम नहीं है, ना ही आप इसे यूज़ करें। आप प्लीज़ डॉक्टर की सलाह पर ही इसे यूज़ करें। ये खासकर जो अपने फेस में या हाथों में कहीं भी थोड़ी बहुत एचेस होती है, खुजली है या कोई भी थोड़ा सा एलर्जी है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, उसके लिए है, ना कि फेयरनेस होने वाली क्रीम है। कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि ये फेयरनेस होने वाली क्रीम है। भाई ऐसी कोई भी क्रीम ये नहीं है, वरना आप इसके चक्कर में फंस सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्टों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए ठीक है, अब हम आपकी इसकी पैकिंग को खोलते हैं। जो मैंने आज ही लिया है, ये न्यू पैक है, पहले 20 रुपये का आता था। इसमें पर्ची नहीं निकली है, ठीक है, अपन ट्यूब को देख लेते हैं। तो ये है क्लोबेटामिल जी, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं क्या क्या इसमें क्लोबेटासोल है। इसमें का मेन जो रहता है, इसमें क्लोबेटासोल ही रहता है। चलिए ठीक है, इसको जिसकी नोज़ल आती है, ये सील पैक है। चलो अब अपन इसे खोल लेते हैं। देखिए, ये देखिए वाइट कलर की क्रीम रहती है। ये स्किन पे ऑब्जर्व आसानी से ऑब्जर्व नहीं होती है, आप देख सकते हैं। मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए इसको लगाने से हाथ में, ये देखिए चिपचिपा लग रहा है मुझे, चिपचिपा रहता है। ये कोई फेयरनेस वाली क्रीम नहीं है। ये जो फेस में या हाथ में कहीं भी एचेस होती है या कोई डार्क सर्कल, और हाँ कोई बोल रहा है ये डार्क सर्कल, भाई कोई झुर्रियों के लिए डार्क सर्कल की यूज़ नहीं की जाती है। आप फालतू में साइड इफ़ेक्ट के चक्कर में फंस जाएंगे। देखिए कुछ नहीं हो रहा है और जल्दी से ऑब्जर्व भी नहीं होती इसके में, ठीक है। तो मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया कि ये कोई गोरे होने वाली क्रीम नहीं है। और ऐसे ही वीडियो लगातार आप देखने के लिए लाइक कमेंट और शेयर करते रहें, ठीक है। और जो भी आपको क्वेश्चन हो इससे क्लोबेटामिल जी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।